डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है, जिंदगी भर इसकी दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा आपको सुनने को मिलता है। महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है, राजस्थान में भी ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, बंगाल में भी ऐसा होता है, झारखंड में भी ऐसा होता है, पंजाब में भी ऐसा, सब जगह आज तक आपको एक ही बात बताएगी कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज की दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ेंगी। दोस्तों डायबिटीज बेसिकली देखिए क्या वास्तव में इसको डॉक्टर बोलते हैं लाइलाज, क्या वास्तव में डायबिटीज लाइलाज है, क्या डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती क्या? दोस्तों डायबिटीज जिसके बारे में आज तक आपने सुना है कि डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, मैं आज आपको 100% विश्वास के साथ बोल रहा हूं डायबिटीज लाइलाज बीमारी नहीं है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, और मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ ही बोल दिया नए लोग हम क्या, मैंने पिछले कुछ वर्षों में हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज से फ्री किया है, जिनकी डायबिटीज ठीक हो गई है, उनको किसी तरह की दवाइयां नहीं खानी पड़ती है, और इसी वजह से मुझे सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर बनाया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से मुझे सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, इसीलिए कि कैसे लोगों की डायबिटीज, आपको एजुकेटर बनना है, सिखाना है लोगों की डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है। तो पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लीजिए मीटिंग के शुरू में ही कि डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज में ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज ठीक ना हो। क्यों डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, क्यों डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, एक छोटा सा रीजन है। देखिए पहली बात तो समझते हैं डायबिटीज होती क्या है, डायबिटीज होती क्या है, चलिए एक बार थोड़ा सा मैं कुछ चीजें कि डायबिटीज कितने परसेंट लोग हैं भारत में डायबिटीज के, और डायबिटीज क्या होती है, बेसिकली टाइप वन टाइप टू क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर इसकी अंदर की गहराई की बातें समझना शुरू करेंगे। चलिए चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए तो डायबिटीज देखिए, डायबिटीज जिसको आयुर्वेद में जिसको मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है, आयुर्वेद में परमेह रोग आदि का, परमेह रोग का एक पूरा चैप्टर आयुर्वेद में, उस परमेह में अलग अलग तरह की परमेह होती है, उनमें एक है मधुमेह, और उसी को एलोपैथी में मॉडर्न साइंस में उसको बोला जाता है डायबिटीज। तो ये मधुमेह और डायबिटीज क्या है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझते हैं, और ये भारत में कितनी किस लेवल पे भारत में मधुमेह है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए डायबिटीज भारत की आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, पिछले दो वर्षों में लगभग 3.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नए डायबिटिक भारत में डायग्नोज हुए हैं। तो डायबिटीज क्या है, भारत में 2019 में लगभग 77 मिलियन पीपल डायबिटिक थे, और 2030 का जो इसका है 100 मिलियन, और 2045 लोग, आज जो डॉक्टर्स हैं या जो स्पेशल मॉडर्न साइंस के लोग हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं कि भारत डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट जो होंगे वो भारत में होने वाले हैं। अभी अमूमन अगर मैं बात करूं तो 128% की एवरेज ग्रोथ आ रही है डायबिटीज की इंडिया में, इतनी ग्रोथ से लोग डायबिटीज यहाँ पर हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं चाइना के बाद अभी हम सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर इंडिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यूएस है, फिर पाकिस्तान है, ऐसा करके अभी हम सेकंड नंबर पे है डायबिटीज में पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं ताकि आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा पता चल सके कि किस लेवल की ये बीमारी। अभी भारत में अगर मैं बात करूं तो 30 से 39 साल के जो लोग हैं तो 11 लोग डायबिटिक है, 19 लोग प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज होने की संभावना है। भारत में जितने लोग डायबिटिक है उससे ज्यादा संख्या में लोग ऐसे जो प्री डायबिटिक है, जो कभी भी डायबिटीज की श्रेणी में आ सकते हैं। लगभग 22 लोग 40 से 49 साल के जो डायबिटिक है, और 21 लोग ऐसे जो प्री डायबिटिक है, 33 लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक है, 19 लोग हैं जो प्री डायबिटिक है। तो ऐसे करके डायबिटीज और प्री डायबिटिक अगर इन दोनों की बात करूं तो भारत में जैसे अगर मैं बात करूं 1 in 12 इंडियंस, भारत में हर 12 में से एक व्यक्ति आज डायबिटिक है, और बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो डायबिटिक तो है लेकिन उनको पता नहीं कि उनको डायबिटीज है। अगर मैं बात करूं इसके डायबिटीज के, अभी ये तो वही कॉमन चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये आपके लिए बड़ी कॉमन सी बातें हैं। डायबिटीज के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, डायबिटीज के मुख्य लक्षण 3 है, जब भी आपको ये 3 लक्षण नजर आए तो समझ लीजिए आपकी जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का स्तर है, वो बढ़ रहा है। 3 मुख्य लक्षण है, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, मतलब पोलीयूरिया यूरिन ज्यादा आना, पोलीफेजिया प्यास ज्यादा आना, और पोलीडिप्सिया पोलीफेजिया भूख ज्यादा लगना, पोलीडिप्सिया प्यास ज्यादा लगना। तो 3 लक्षण है, बस ये याद रखिए, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया। पोलीयूरिया मतलब पेशाब ज्यादा आना, पोलीफेजिया भूख ज्यादा लगना, पोलीडिप्सिया प्यास ज्यादा लगना। तो जब भूख बहुत ज्यादा लगने लगे, प्यास बहुत ज्यादा लगने लगे, और यूरिन बहुत ज्यादा बाहर जाने लगे, तो समझ जाइए कि आपको
आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ गया, आपकी प्यास ज्यादा लगने लगी, इसके अलावा जो और बच गए इनके अलावा कि आपको थकान रहने लग जाएगी, आप थके थके से महसूस करेंगे, लिथार्जी हमेशा रहेगी, कहीं पे कोई वूंड हो गया तो वो जल्दी भरेगा नहीं, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होनी शुरू हो जाएगी, आपका वेट जो है या तो बहुत ज्यादा एकदम कम होना शुरू हो जाएगा, और यही सारे आपकी आंखों की समस्या हो सकती है। तो ऐसे कुछ लक्षण नजर आते हैं जब व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। तो अब समझते हैं देखिए होता क्या है, डायबिटीज है क्या, इसको थोड़ा सा बड़ी साधारण सी बात हम समझते हैं डायबिटीज क्या है। डायबिटीज क्या है, ये आप सामने देख रहे हो एक येलो कलर का जो एक ऑर्गन है, ये हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज इसको इसको अगर मैं हिंदी में या आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं बात करूं तो अग्नाशय है ये, अग्नाशय अग्नाशय, ये हमारा आमाशय है, फिर उसके बाद अग्नाशय है, ऐसे करके तो ये हमारा अग्नाशय है, पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं। होता क्या है, भगवान ने पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया। जब आप खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, आप देख सकते हैं पेनक्रियाज के पीछे नजर आ रहा है, बेसिकली ये आगे ऐसे पड़ा होता है तो पीछे नजर आ रहा है पेनक्रियाज। सबसे पहले हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो छोटी आंत में जाता है, और जहां जैसे ही छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में शुरुआत में जब खाना गल वल के वहां पर पहुंचता है तो पूरा देखिए कितना फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने बनाया है। जैसे ही वहां पहुंचता है तो दो लोगों को सूचना दी जाती है, लीवर को सूचना हो जाती है और पेनक्रियाज को सूचना मिल जाती है कि खाना यहाँ पर आ गया है। जैसे ही खाना वहां पहुंचता है उनको पहले ही सूचना मिल जाती है कि इतने इतने सेकंड पे यहाँ पर खाना पहुंचेगा, और जैसे ही वहां पे खाना पहुंचता है लीवर क्या करता है, बाइल भेजने लग जाता है वहां पर, और पेनक्रियाज इंसुलिन भेजने लग जाता है, और वो दोनों फूड में वहां पर मिल जाते हैं। वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें पूरा किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे ही खाना वहां पर पहुंचता है पेनक्रियाज इंसुलिन डाल देता है, उधर से बाइल आ जाता है, बाइल अपने डाइजेशन शुरू कर देता है, और जो इंसुलिन आया उसका काम क्या है, जो भी ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाई है उसको पचाने का काम करता है, उसको उसको इंसुलिन एक तरीके की चाबी है, इंसुलिन चाबी है कि आपके जो ग्लूकोज जो आपने खाया वो आपकी कोशिकाओं के अंदर चला जाए, ये एक चाबी है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन इसमें मिल जाता है, तो जो भी आप मीठा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कुछ भी खाए वो आपकी कोशिकाओं में चला जाएगा और आप उनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी हमें किससे मिलती है, देखो शुगर शुगर खतरनाक चीज नहीं है, शुगर शुगर अच्छी चीज है, आपको जो काम करने के लिए एनर्जी आती है ना ग्लूकोज से ही आती है, ग्लूकोज मीठे से ही आती है। बस समस्या क्या है, आपके जो ग्लूकोज जो एक नॉर्मल स्तर होना चाहिए वो स्तर से बढ़ के ज्यादा हो गई आपके ब्लड में, तो उसको डायबिटीज का नाम दिया, उसको हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर का उसको नाम दिया गया है। तो बेसिकली शुगर एक काम की चीज है, एक ग्लूकोज हमारे बहुत काम की चीज है, उसी से हमारी कोशिकाओं को कार्य करने की एनर्जी आती है, लेकिन वो कोशिकाओं में कब जाएगी, जब इंसुलिन की चाबी लगेगी, इंसुलिन एक चाबी है वो लगेगी, खुल जाएगा, सेल्स के दरवाजे खुल जाएंगे और ग्लूकोज अंदर चला जाएगा और वो अपने काम करने लगेंगे। अब होता क्या है, किसी कारणवश अब ये दो तरह की डायबिटीज है, आप पहले उस पर चलते हैं, जब ये हमारा पेनक्रियाज है, आप देख सकते हैं ये पेनक्रियाज है येलो कलर का, और जो ये है छोटी आंत जो राउंड है इस पे आप एक छेद में देखिए इसकी अंदर की नलकी है, ऊपर से जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है वो लीवर की नलकी है, वो भी यहीं पर आके खुलती है, वो बाइल बाइल वो गॉल ब्लैडर है जो आपको ऊपर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, वो पित्त की थैली है और ऊपर लीवर है। कई लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस गॉल ब्लैडर स्टोन को ही निकाल देते हैं। देखो बेसिकली उसका जिक्र आ गया इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये गॉल ब्लैडर स्टोन ये जो है ना पित्त की थैली जिसको गॉल ब्लैडर आप लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स आज एलोपैथी में एक ही काम करते हैं, जैसे ये जो नलकी दिख रही है ना ऊपर लीवर से ग्रीन कलर की एक नलकी आ रही है और फिर साइड में ये जो पेन इसके ये इधर आप ये जो साइड से आ रही है ये गॉल ब्लैडर से आ रही है, तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स जब भी आप पित्त की थैली पथरी हो जाती है तो इस पित्त की थैली की जो ये नलकी आ रही है यहाँ पर गांठ एक धागा बांधते हैं और इसको कट के निकाल देते हैं कि इसको अब इसका कोई काम नहीं है। देखिए दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल है, हमारा लीवर क्या है वो 24 घंटे बाइल बनाता रहता है, ड्रॉप 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 बनाता रहता है, लेकिन क्या हम 24 घंटे खाना खाते हैं, क्या आप हमेशा खाना खाते रहते हैं, नहीं खाते, लेकिन लीवर बाइल हमेशा सिक्रीशन करता रहता है। अब होता क्या है, आपको जब अब ये इतना भगवान ने सिस्टम बना दिया, एक बीच में एक स्टोर हाउस बना दिया इसका नाम है गोल ब्लैडर, एक बीच में थैली लटका दी कि भाई लीवर तो हमेशा बनाता रहेगा लेकिन वो धीरे इसमें स्टोर होता रहेगा, और जब आप खाना खाओगे तो इस ये जो पिथी थैली है ना गोल ब्लैडर इसको मैसेज मिलेगा कि खाना आ गया है, तो ये ऐसे दब पंपिंग शुरू कर देता है और जो इसमें बाइल भरा है वो सीक्रेट कर देता है और वो छोटी आंत में आ जाता है। तो कितना साइंटिफिक चीज बनाई है भगवान ने, अब वो डॉक्टर्स क्या करते हैं इसको कट करके निकाल दिया, और ये इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव आप सोचे इसको ये भी पता है कि किस तरह का खाना खाया है, अगर आप तला भुना खा रहे हैं नॉन वेज खा रहे हैं तो उसको पचाने में ज्यादा बाइल चाहिएगा, तो ये जो गोल ब्लैडर है ज्यादा बाइल भेजेगा, और जब सलाद खा रहे हैं
कच्ची सलाद खाई आपको पता है इजिली डाइजेस्टेबल है, तो ये कम बाइल भेजेगा, इतना सेंसिटिव है। अब जब इसको काट के निकाल दिया डॉक्टर्स ने, तो अब लीवर 24 घंटे बनाता रहेगा ड्रॉप वाइज, ऊपर वाली जो ग्रीन नलकी है वो आ रही है और सीधा पित्त की, यहाँ जो हमारी छोटी आंत है यहाँ पर ड्रॉप 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 हमेशा गिरता रहेगा। आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, बाइल हमेशा आता रहेगा। पहली बात, पहला नुकसान तो बाइल वेस्ट हो रहा है। दूसरा, जब आप नॉनवेज खाएंगे या आप सलाद खाएंगे, दोनों ही कंडीशन में बाइल उतना ही आएगा जितना आ रहा है। तो जब भी आप थोड़ा सा भी ऑयली खाएंगे, तला भुना खाएंगे, आपको दस्त लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो आपने कट के निकाल दिया। तो कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं करनी कि पित्त की थैली को निकाल दिया किसी, अरे कोई बहुत काम की चीज थी वो जिसको काट के आपने निकाल दिया, कुछ नहीं उसकी पथरी कुछ नहीं है। वो जब बाइल अंदर स्टोर है वो सूख जाता है, जम जाता है, तो उसको वो जब स्कैन करते हैं तो वो बोलते पथरी होगी, नहीं है। कभी उसके बारे में जब उसका टॉपिक आएगा लीवर का, तब बताऊंगा उसके बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो नलकी है ये पूरे एक पत्ते जैसे आकार का होता है, और इसकी जो बीच वाली नलकी है वो सीधी आंत में आके, छोटी आंत में आके एक नलकी छोटी सी सफेद फूल रही है। जब यहाँ खाना आता है पेनक्रियाज की सेल्स को, बीटा सेल्स है, उनको मैसेज मिलता है, वो इंसुलिन सिक्रीट करती है और सारा यहाँ पर मिल जाता है। ये है। अब डायबिटीज की दो टाइप है, डायबिटीज के टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन डायबिटीज क्या है? टाइप वन डायबिटीज, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून, समझना मेरी बात, इसको किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो टाइप वन को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट। इसका टाइप वन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM, और टाइप टू का होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसके टाइप वन टाइप टू बोल लो या IDDM, IDDM, ये इसके साइंटिफिक नेम, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में इसके ये नाम होते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं टाइप वन क्या है। टाइप वन एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब मेरी खुद की इम्यूनिटी मेरे अगेंस्ट हो जाती है और वो मेरी चीजों को मारने लगती है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जब हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जब वो हमारी कोशिकाओं को मारने लगती है, और वो जब वो कहा कि जैसे अब मान लेते किसी को गठिया हो गया, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, किसी को सोराइसिस हो गया, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कहा की कोशिकाओं को वो मार रही है उसके अनुसार आपको बीमारी हो जाएगी। टाइप वन डायबिटीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हमारी खुद की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट हो जाती है, और उसमें जो हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स है वो उनको मारने लगती है, और जब बीटा सेल्स मरती है तो पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है और वो हो जाती है टाइप वन। अब जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो उसको शुगर को पचाने का जो शुगर की जो चाबी है सेल्स के अंदर जाने की, वो खत्म हो गई और आपकी जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही घूमती रहेगी और हाई ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा। और जब आप जांच करोगे तो ग्लूकोज का हाई लेवल आपको दिखेगा, तो वो हो गया टाइप वन डायबिटीज। टाइप टू डायबिटीज में क्या है, बीटा सेल्स डैमेज नहीं है लेकिन पेनक्रियाज की कुछ फैक्टर्स की वजह से, इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, सूजन आने की वजह से, खिंचाने से पेनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो वो प्रॉपर आपकी कोशिकाओं में प्रॉपर उसको नहीं पहुंचा पाता है और आपके जो ग्लूकोज का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन में इसको होते हैं टाइप टू। इसमें आपका जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं आपकी बॉडी। क्यों? क्योंकि आपने कम निकल रहा, सिक्रीशन कम निकल रहा, जिस वजह से रेजिस्टेंट हो गए। जैसे एंटीबायोटिक है, कोई एंटीबायोटिक की डोज है जो भी आप खाते हैं, अगर उससे डोज से आप कम खाते हैं एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह डायबिटीज टाइप टू में इंसुलिन के सिक्रीशन कम होते हैं जिस वजह से बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। और समझना अब होता क्या है, ये आप देखें, तीन पिक्चर आपको दिख रहे होंगे। ये हेल्दी आदमी है, इसका पेनक्रियाज क्या कर रहा है, जब ये खाना खाएगा, उधर से फूड आया, आप देखें उधर से फूड आया, खाना खाया इस आदमी ने, पहला हेल्दी वाला चार्ट देखें, इस आदमी ने खाना खाया, स्टमक में खाना गया, उधर से ग्लूकोज निकला, उस खाने में जो भी ग्लूकोज वाली चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट थे, उससे ग्लूकोज बना, उधर से पेनक्रियाज को मैसेज मिला, उसने इंसुलिन निकाला और इंसुलिन मिला ग्लूकोज के साथ, और वो हमारी मसल्स में और सब जगह वो एब्जॉर्ब हो गया और आपकी नॉर्मली आपके मसल्स को काम करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मिल गई। ये है हेल्दी। टाइप वन में क्या है, नो इंसुलिन, पेनक्रियाज उधर से खाना तो खाया, उधर से ग्लूकोज भी तैयार हुआ लेकिन पेनक्रियाज में इंसुलिन ही नहीं बन रहा, नो इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं बन रहा तो सीधी सी बात है जो मसल्स है, जो कोशिकाएं हैं, वो ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, आपका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हो गया टाइप वन डायबिटीज। टाइप टू डायबिटीज में क्या है, पेनक्रियाज से इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो बहुत कम, जितना बनना चाहिए उसे कम बन रहा है, जिस वजह से रेजिस्टेंट है, वो प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा और आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। तो ये है नॉर्मल टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन के बारे में ही ज्यादातर दिमाग में ही रहता है कि टाइप वन क्या, जो लोग इंसुलिन, अब सीधी सी बात है इंसुलिन बन ही नहीं रहा,
इंसुलिन बन ही नहीं रहा कोशिकाओं से, तो सीधी सी बात है कि नहीं बन रहा है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। अब ये इसमें और थोड़ा गहराई से आपको समझाता हूं। कई लोग बोलते हैं क्या ये ठीक हो सकती है टाइप 2 की, तो करेंगे ही बात। टाइप 1 इसके बहुत कम रेयर केस मिलते हैं टाइप 1 के, ज्यादातर भारत में जो पेशेंट आपको मिलेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज के मिलेंगे, लेकिन बहुत कंडीशन में ऐसे भी बच्चे मिलेंगे आपको कि छोटा बच्चा इंसुलिन ले रहा है तो वो टाइप 1 में है। तो टाइप 1 और टाइप 2 की तो पूरी बात करेंगे कैसे ठीक होगी। टाइप 1 भी क्या ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। देखिए टाइप 1 के भी होने के दो रीजन है टाइप 1 के क्यों इंसुलिन नहीं बन रहा। पहली बात तो है जेनेटिक, एक सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक कि माँ बाप को थी और उसकी वजह से उनके जीन्स में ही, उनके जीन्स के अंदर ही डिफेक्ट हुआ और बच्चे के जीन्स ऐसे बने कि उसकी बीटा सेल्स काम नहीं कर रही है, उसको इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ऐसे बच्चे बहुत शुरुआती अवस्था में ही बचपन से ही पता चल जाएगा क्योंकि उनकी जीन्स के अंदर से ही डिफेक्ट आया है। तो अगर वो जेनेटिक है, ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं जेनेटिक है और वो इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो बच्चे की जो जीन्स के अंदर ही जो चीजें बनी है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, बहुत रेयर केस ऐसे होंगे। दूसरा है कि इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, बच्चा है 10-11-12 साल का, बचपन में ठीक था कुछ साल, लेकिन अब लेना पड़ गया। तो ये है ऑटो इम्यून, अब उसको बीमारी होगी ऑटो इम्यून, उसकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो गई, उसकी इम्यूनिटी उसकी खुद की सेल्स को मार रही, उसकी इम्यूनिटी उसी की सेल्स को मार रही है जिस वजह से बीटा सेल्स डैमेज हो रही है और बीटा सेल्स डैमेज होने की वजह से पैनक्रियाज से इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा। टाइप 1 होने के दो तरीके होंगे कि पहला तो जेनेटिक कि माँ बाप से जीन्स में डिफेक्ट आया बच्चे के, तो उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी संरचना ही ऐसी, उसके पैनक्रियाज की सेल्स बनी नहीं या खराब बनी। दूसरा जो टाइप 1 में भी जो ज्यादा आपको मिलेंगे वो है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बच्चे की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई। इम्यूनिटी क्यों डिस्टर्ब हो गई उसके बारे में बात करूंगा। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने का जो सबसे बड़ा रीजन कि छोटे बच्चों में क्यों ऐसा इम्यूनिटी डिसऑर्डर हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। और फिर टाइप टू में क्या है, ये किसी भी टाइप 1 वाले आपको ज्यादातर चाइल्डहुड अवस्था में ही मिल जाएंगे, बचपन अवस्था में ही आपको टाइप 1 के पेशेंट बच्चे मिलेंगे। टाइप 2 में मैच्योर होने के बाद, एक अवस्था आने के बाद 30-35-40 के बाद के पेशेंट आपको ज्यादातर टाइप 2 मिलेंगे, क्योंकि पैनक्रियाज में धीरे धीरे इन्फ्लामेशन आ गई, सूजन आ गई, जिस वजह से सिक्रेशन कम होने शुरू हो गए, तो वो टाइप 2 हो गया। तो ये बच्चे मिलेंगे ज्यादातर टाइप 1 के और टाइप 2 में मैच्योर मिलेंगे आपको, ये आप दोनों से पहचान सकते हो। और दूसरा सीधी सी बात है टाइप 1 को इंसुलिन ही देना पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है। टाइप 2 में इंसुलिन बन तो रहा है, कम बन रहा है या अच्छा नहीं बन रहा है, तो उसको सुधारना है। ये दो काम हमें, अगर आप इनको ठीक करना चाहते हैं तो इन पे आपको करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया डायबिटीज। अब इसमें सीधी सी बात है, ये देखिए मान लेते हैं हमारी ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज घूमना चाहिए, इसमें ग्लूकोज आप देख सकते हैं येलो कलर के जो ग्लूकोज के दाने, अब ये थोड़े थे नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज स्तर बढ़ने लगता है ब्लड में तो आप देख सकते हैं येलो डॉट्स बढ़ गए, तो ये हाई ग्लूकोज हो गया। अब पहली बात देखिए, बड़ी गहराई से सोचना, हमें बहुत गहराई से सोचना है। अब होता क्या है, ये तो होगी डायबिटीज क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं इसका इलाज, अभी जो एलोपैथी में डॉक्टर्स क्या इलाज करते हैं, कुछ दवाइयां है वो दवाइयां आपको देते हैं, और दवाइयां क्या करती हैं, जो ये ब्लड में आपके जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है वो इसको कम कर देती हैं, इसको कम कर देती है। कैसे कम करती हैं? अब पहली बात तो थोड़ा सा मैं और आपको और गहराई से बता दूं कि जैसे हमने बात की थी कि अब शुगर के लक्षण होते हैं, क्या लक्षण, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, भूख ज्यादा, प्यास ज्यादा, पिशाब ज्यादा। अभी क्यों होंगे लक्षण, अब ये जब समझना हर चीज को, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, खून में ग्लूकोज पड़ा है लेकिन इंसुलिन नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो जो कोशिकाओं की जो चाबी लगनी है वो नहीं लगी, कोशिकाएं जो है ना हमारी सेल्स, उसको कार्य करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। अब ब्लड में सामने तो पड़ा है लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है, सामने है खून में पड़ा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है लेकिन कोशिकाएं तो ले नहीं पा रही, इंटेक नहीं कर पा रही, मसल्स कोशिकाएं को इंटेक नहीं कर पा रही है। जब इंटेक नहीं कर पाएंगी तो शरीर में कमजोरी होने लगेगी और शरीर एक ही बात बोलेगा कि आपके शरीर को जरूरत है, तो बार बार भूख लगेगी, कुछ खाओ, चाहिए आपको कुछ, अंदर पड़ा है, कोशिकाएं भूखी मर रही है, सीधी सी बात है, साधारण लैंग्वेज में समझे, अंदर खाना पड़ा है, कोशिकाओं के सामने खाना पड़ा है लेकिन बीच में एक मिरर, एक शीशे की एक लाइन लगा दी है, भूखी है वो, इसलिए आपको बार बार भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बार बार खाओ, कुछ खाओ बार बार। अब जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ने लगेगा तो किडनी एक्टिवेट हो जाएगी कि ग्लूकोज ज्यादा बढ़ रहा है, इसको निकालो बाहर, गलत चीज है, बढ़ रही है, इसको निकालो बाहर, ये किडनी उसको निकालना शुरू कर देंगी। तो ये तीन लक्षण आएंगे, भूख ज्यादा, प्यास ज्यादा और पेशाब ज्यादा। तो समझ जाओ कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगा है।
तो ये इस तरीके से इन तीन लक्षण के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि मेरा ग्लूकोज लेवल, पसीना ज्यादा आने लगेगा, शरीर अपने आप, शरीर आप समझे, ये जो ग्लूकोमीटर है ना, जिसको इतना कंपलसरी बना दिया ग्लूकोमीटर कि हर घर में मिलेगा, हर शुगर के मरीजों को ग्लूकोमीटर मिलता है, ग्लूकोमीटर 1990 में बना है। अब लगता है इतना जो क्या 1990 से पहले शुगर नहीं होती थी क्या? ये डायबिटीज आज एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा भारत का अरबों खरबों रुपए का बजट लगता है इस डायबिटीज के ऊपर, ये बहुत बड़ा बिजनेस है ये बहुत। मैं भारत की अगर लोगों की बात करूं ना, भारत में शुगर की गोली की बात करूं तो आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शुगर की गोलियां खा रहे हैं, शुगर की गोलियां खा रहे हैं। अगर मैं एक आदमी का 5 से 10 रुपए के खर्चा मानूं तो भारत में रोजाना लगभग 500 करोड़ रुपए की गोलियां बिकती हैं शुगर की, और डिवाइस बिकती है, ग्लूकोमीटर बिकता है, फलाना बिकता है, बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है बीमारी। दोस्तों ये बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी इसको बना दिया गया है। तो ये तो बात थी अभी तक जो कॉमनली जो जाननी चाहिए, बड़ी साधारण सी बातें थी कि ग्लूकोज टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है उसके क्यों लक्षण आते हैं, क्योंकि कोशिकाएं भूखी मर रही हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल रही तो भूख बार बार ज्यादा लगेगी, शरीर अपने आप उसको रिकमेंड उसको करेगा कि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा पानी पियो, किडनी फिल्टर करने लग जाएंगी कि इसको निकाल दो ज्यादा ज्यादा बार, इसलिए पेशाब बार बार आएगा, कमजोरी होने लग गई क्यों, क्योंकि खा तो रहे हो लेकिन कोशिकाओं को खाना नहीं मिल रहा है, तो भूख ज्यादा, प्यास ज्यादा, पेशाब ज्यादा और कमजोरी, ये सारे लक्षण आपको आने लगेंगे। इसके अलावा आपके कुछ सिम्टम्स, आपको पसीना ज्यादा आने लगेगा क्योंकि शरीर अपने आप कोशिश करता है कि निकालो एक्सेस चीज को, बाहर निकालो, तो निकलने के दो ही तरीके हैं, यूरिन से निकलेगा, स्किन से निकलेगा, तो आपको ज्यादा पसीना आने लगेगा। आयुर्वेद में एक ही बात बताई गई, पहले कोई ग्लूकोमीटर नहीं था, खाना खाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को यहां से ऊपर ज्यादा पसीना आने लगता है तो समझ जाओ उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, बस सीधा सा पहचान था, क्योंकि शरीर अपने आप शरीर से चीजों को बाहर निकालने लगता है। तो अगर खाना खाने के बाद आपको कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है तो उनको ये लक्षण हो सकता है कि उनकी डायबिटीज बढ़नी शुरू हो रही है। अब बात करते हैं कि ठीक है, समझ में आ गया कि डायबिटीज ये है, अब इसको डॉक्टर्स कैसे ठीक करना चाहते हैं, डॉक्टर इसको कैसे ठीक करना चाहते हैं। डायबिटीज जब आपकी, आपने शुरुआत कहां से हुई समझना, पैनक्रियाज ने प्रॉपर काम नहीं किया, बात यहां से शुरू हुई कि पैनक्रियाज को जो प्रॉपर काम करना चाहिए था उसने नहीं किया। अब नहीं किया तो क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि उसको जो खोलने की चाबी थी वो उसने नहीं दी। अब डॉक्टर क्या करते हैं, गोलियां शुरू करते हैं, दवाई शुरू करते हैं। ये दवाइयां क्या करती हैं, ये दवाइयां आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है उसको कम कर देती है, ये उसको कम कर देती है। अब इसके दो बड़े नुकसान हो गए, दो नुकसान हो गए इसके। पहली बात तो उन्होंने कम कैसे किया, अब ब्लड में कोई चीज घूम रही है तो ये दवाई ऐसी तो नहीं है, ये दवाई ऐसी चीज तो नहीं है कि उसको खा जाएंगे ग्लूकोज को, ना, ये दवाइयां एक ट्रिक अपनाती है, गोलियां क्या करती है, मेटफॉर्मिन, ग्लिकलाजेट, ग्रिप्रामाइड, ये जो दवाइयां चलती है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। पहली बात सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो, भारत में जितने लोग हर साल शुगर से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग शुगर की दवाइयों से मरते हैं। शुगर से खतरनाक शुगर की गोली है, जो गोली मेटफॉर्मिन की गोली, ग्लिकलाजेट, जो भी आप दवाइयां खा रहे हो ना शुगर की, शुगर से ज्यादा खतरनाक शुगर का इलाज है, शुगर की दवाइयां है। और सही पूछो तो ना, ये जो मेटफॉर्मिन की गोली जो आज भारत में हर शुगर के व्यक्ति को मेटफॉर्मिन की गोली दी जा रही है, हर शुगर के मरीज को जो मेटफॉर्मिन की गोली खिलाई जा रही है, ये जो दवाइयां खिलाई जा रही है, ये मेटफॉर्मिन की गोली, पहली बात तो ये विदेशों में बैन है, इंडिया के अलावा और जो कंट्रीज है उसमें ये बैन है। क्यों बैन है, क्योंकि जहरीली टैबलेट है, ये किडनी को डैमेज करती है, किडनी को और लीवर को डैमेज करने की इससे खतरनाक गोली कोई नहीं हो सकती। अब होता क्या है, ये मेटफॉर्मिन, और सही पूछो ना, कितना खिलवाड़ है आपके स्वास्थ्य के साथ, आप समझ सकते हैं, मेटफॉर्मिन की गोली जब पहली बार बनी थी ना, डिस्कवर हुई थी, तो पता किस चीज की गोली थी, टाइफाइड की गोली थी, टाइफाइड बुखार के लिए बनी थी मेटफॉर्मिन की साल्ट। जब टाइफाइड के मरीजों को दिया गया तो इसका एक साइड इफेक्ट आया कि उनकी ग्लूकोज डाउन हो गई, उनकी शुगर कम हो गई, तो दिमाग में ऐसा, इसको शुगर की गोली बना दो, और शुगर की गोली बना दी इसको। ये जो दवाइयां है ना, अब दवाइयां क्या करती है, दवाइयां समझना, ये दवाइयां क्या करती है, आपके ब्लड में जो फालतू ग्लूकोज घूम रहा है ना, ये क्या करती है, उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देती है। कहां लेके जाएंगी उसको, कहां लेके जाएंगी, ये कहीं ना कहीं उसको ठिकाने लगा देती है। कहां ठिकाने लगाएंगी, जहां भी छुपने की जगह है उसको किडनी में स्टोर कर देंगी, उसको आपके ज्वाइंट्स में स्टोर कर देंगी, आपके हार्ट में स्टोर कर देंगी। ये बस ट्रिक है कि जो फालतू घूम रहा था उसको इधर उधर छुपा दो। कोई इंस्पेक्शन आता है ना, आपके घर में कचरा पड़ा है, मान लो आपके कोई संस्था में कचरा बिखरा हुआ है, कोई इंस्पेक्शन की टीम आ गई जांच करने, तो आप क्या किया, सफाई तो नहीं, वो क्या करे, उस कचरे को इधर उधर बैठ के नीचे छुपा दिया, कहीं छुपा दिया आपने। बिल्कुल यही काम इन टैबलेट्स का है,
ये टैबलेट क्या करती है, आपके जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ना खून में उसको इधर उधर छुपा देती है, आपके ज्वाइंट्स में डिपोजिट करना शुरू कर देती है, आपके लीवर में डिपोजिट करना शुरू कर देती है, आपके हार्ट में डिपोजिट करना शुरू कर देती है, बस छुपा देती है, ताकि उसके बाद जब ब्लड आप जांचेंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर बोलेंगे देखा इस गोली खाने से तेरी शुगर नॉर्मल आनी शुरू होगी, अब ये गोली तेरे को जिंदगी भर खानी, ये गोली अब तेरे को जिंदगी भर खानी। अब इससे दो नुकसान हो गए, पहला नुकसान तो ये कि जो एक्सेस जो शुगर है वो कहां जमनी शुरू होगी, आपके ज्वाइंट्स में, आपके लीवर में, आपके हार्ट में, और जहां जहां वो जमेगी आपको वहां वहां की आने वाले कुछ समय में बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। और क्या बोलेंगे आपको, डायबिटीज की वजह से आपके ज्वाइंट खराब हो गए, डायबिटीज की वजह से आपको हार्ट की समस्याएं होगी, डायबिटीज की वजह से आपके आंखों की समस्या होने लगी। डायबिटीज की वजह से नहीं हुआ, डायबिटीज की गोली ने जो चमत्कार किया उसकी वजह से हुआ ये। उस गोली ने क्या किया, फालतू ग्लूकोज ब्लड से कम करने के लिए आप छुपा दिया सब जगह, और जहां जहां छुपाया वहां की समस्या आने लगी। वो डॉक्टर के पास जाओगे वो ये नहीं बताएगा गोली खाने से हुआ, बोलेगा ठीक है अब आँख का इलाज और शुरू करो, घुटने का इलाज और शुरू करो, इसकी गोली और शुरू करो, एक गोली से शुरू हुआ था और इतनी गोलियां खाने लगे। शुगर की वजह से नहीं हो रहा, शुगर की जो दवाई खाई उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बताएंगे क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, सबका बिजनेस बढ़ रहा है। पहले उसका एक का ग्राहक थे, धीरे धीरे आप और डॉक्टर्स के भी ग्राहक बनने शुरू हो गए, और उन्होंने भी अपनी दवाई आपको खिलानी शुरू कर दी। पहले शुगर की खा रहे थे, फिर किडनी की खानी शुरू कर दी, फिर हार्ट की भी जुड़ गई, ऐसा करके बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है ये। अभी से एक नुकसान तो ये हुआ कि आपके अंग धीरे धीरे और खराब होने लगे। दूसरा अब जब ब्लड में शुगर का लेवल कम कर देती है ना ये, ब्लड से हटा देती है, तो पैनक्रियाज को मैसेज मिलता है कि ब्लड में ग्लूकोज ओके है, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, और पैनक्रियाज अपना काम और कम कर देता है। बीमारी साली क्या थी, पैनक्रियाज काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, और गोली देने के बाद क्या, उसने काम और कम कर दिया, तो बीमारी बढ़ी या घटी गोली लेने के बाद? सीधी सी बात है, बढ़ी। पैनक्रियाज उनके पास ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी कोई गोली नहीं है कि जाए और पैनक्रियाज को बोले कि तू अपना काम बढ़ा। उनका काम है जो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है उसको बस इधर उधर ठिकाने लगा दो, बस ये उनका काम है। इस ठिकाने लगाने से दो नुकसान हुए, पैनक्रियाज ने भी काम और कम कर दिया, और जो और अंगों में जहां जहां शुगर उसने छुपाई वो सब गलने लगे, वो खराब होने लगे। तो दोस्तों दवाई, पहली बात तो दवाई, क्या कोई, अब ये शुगर की गोली जब तक कोई आदमी खाता रहेगा, समझना, जब तक खाता रहेगा तब तक उसका पैनक्रियास कभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो काम पैनक्रियास को करना चाहिए था वो किससे कर रहे हो आप, गोली से कर रहे हो। तो क्या पैनक्रियास को काम करने की जरूरत है? नहीं है, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं आप में से किसी भी व्यक्ति को बोल दूं आपके काम क्या है, आपका काम है घर में, घर के लिए पैसा कमाना, परिवार के लिए अच्छी सुख सुविधाएं करना। मैं आप में से एक व्यक्ति को बोल दूं कि ठीक है मैं आपको एक बढ़िया सा बंगलो बना के देता हूं, एसी लगा देता हूं, उसमें टीवी लगा देता हूं, आपकी सब सुविधा के सारे सामान कर देता हूं, हर महीने का राशन दूंगा, मैं सब करूंगा आपके लिए। तो ईमानदारी से बताओ किसी भी व्यक्ति के लिए अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या वो कुछ काम करेगा? काम करने की जरूरत है उसको? नहीं है, निशल्ला हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्यों हो रहे बैठे बैठे सारे काम? पैनक्रियास का काम था शुगर कम करना, और कर किससे रहे, गोली से। तो क्या वो काम करने की जरूरत है? नहीं है, बैठ जाएगा, धीरे 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 पैनक्रियास अपना काम कम करता जाएगा और दवाई की डोज बढ़ती जाएगी। आप मेरे को एक बात, समझदार आदमी हो सभी लोग, दिमाग से सोचो, आज तक पूरे आपके पूरे पूरे जिस राज्य से आप, उस पूरे राज्य का जिक्र नहीं है, पूरे भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक भी व्यक्ति बता दे कि एलोपैथी गोली खाने से किसी की शुगर ठीक हुई हो, किसी की नहीं हो सकती, हो संभावना ही नहीं है कि हो। क्यों? क्योंकि शुगर का इलाज नहीं है, इलाज करने का तरीका जो अपना रहे हैं वो तरीका गलत है, शुगर का इलाज नहीं है। अगर उसके शुगर क्यों हुई है, पैनक्रियास काम नहीं कर रहा, या बीटा सेल्स क्यों, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों हुई, मैं बताऊंगा आपको क्यों क्यों हमारी कोशिकाएं मर रही हैं, उस कारण पे कोई काम नहीं कर रहा, सब ग्लूकोज बढ़ेगी, इसको साले घटाने में लगे हुए सब। शुगर का इलाज नहीं है, 100% ठीक हो सकती है, इलाज करने का तरीका गलत है। अब आप खुद सोचो, क्या शुगर की गोली खाता रहेगा तब तक पैनक्रियास को काम करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो क्या जब तक कोई शुगर का मरीज शुगर की गोली खाता रहेगा, क्या संभावना है उसकी शुगर कभी ठीक हो जाए? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। गोली शुगर तो ठीक होगी नहीं, दूसरे अंग और बहुत जल्दी खराब होने लगे, कुछ दिन में किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट की समस्याएं बढ़ने लगेंगी, ज्वाइंट्स में जहां जहां शुगर डिपॉजिट होगी इन्फ्लामेशन बढ़ती आएगी, और जहां इन्फ्लामेशन होगी वहां की बीमारी आपको लगनी शुरू हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो पहली बात तो दवाई, दवाई किसी भी तरह की शुगर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। आप मेरी बात सोचो, तो अगर शुगर की गोली अगर शुगर की बीमारी को थोड़ा सा भी ठीक करती हो, थोड़ा सा भी 0.1% भी ठीक करने में हेल्प करती हो,
थोड़ा थोड़ा सा भी ठीक करती हो तो आप एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा ठीक करते 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 सालों सालों बाद दवाई की डोज कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? अगर आज थोड़ा सा ठीक किया, कल थोड़ा सा ठीक किया, परसों थोड़ा सा, 0.1% भी दवाई ठीक करती हो तो कुछ समय बाद दवाइयों की डोज कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? खुद सोचो दिमाग से। अगर दवाई थोड़ा सा भी ठीक करती हो तो दवाई की डोज धीरे धीरे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन वो क्या रहा है, साल आज 500 mg की गोली की जरूरत है तो अगले साल 200 mg की गोली चाहिए, अगले साल 500, तो बीमारी ठीक हो रही है या बढ़ रही है? आज 100 mg से काम चलता था, कल 200 mg खानी पड़ेगी, 500 mg खानी पड़ेगी। दवाई दवाई बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है, ये तो बीमारी को कंट्रोल भी नहीं, बीमारी को बढ़ा रही है, आपको ग्राहक बना रही, कस्टमर बना रही है आपको। अगर दवाई थोड़ा सा ठीक करते हो तो दवाई की डोज घटनी चाहिए, हो क्या रहा है, दवाई की डोज बढ़ रही है, तो साली बीमारी बढ़ रही है या घट रही है? खुद सोचो आप, सीधी सी बात बढ़ रही है। साला कल तक 500 mg से खाना पड़ रहा था, आज 1000 mg की मेटफॉर्मिन कर दी है, कल 50 mg का ग्लिप्रामाइड खाना पड़ रहा था, 100 mg खाना पड़ गया, तो साली बीमारी बढ़ी या घटी? बढ़ रही है। तो बीमारी लाइलाज नहीं है, ठीक करने का तरीका गलत है। और इसमें और सही पूछो ना, तो ये जो सिस्टम है ना, ये एलोपैथी जो स्कैम चल रहा है, ये शुगर ये जो चल रहा है ना, ये डॉक्टर्स की गलती नहीं है। इसमें क्यों गलती नहीं है? गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि आप समझते नहीं है एलोपैथी क्यों बनी है, एलोपैथी चिकित्सा क्यों बनी है। आप गूगल पे सर्च करो, एलोपैथी चिकित्सा बनी है, आप गूगल पे सर्च करना एलोपैथी का प्रिंसिपल क्या है, एलोपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, क्यों बनी है वो, तो आपको आंसर में एक ही चीज लिखी आएगी, एलोपैथिक चिकित्सा या मॉडर्न साइंस जो है वो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए बनी है। उसका काम ही ये है कि वो बीमारी के लक्षणों का इलाज करती है, बीमारी का इलाज नहीं करती है। एलोपैथिक चिकित्सा खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम भाई बीमारी को ठीक नहीं करते, हम तो बीमारी के लक्षणों को ठीक करते हैं। आप खुद समझदार हो, बीमारी के लक्षणों को ठीक करके क्या कभी बीमारी को ठीक कर सकते हो क्या? नहीं। बीमारी को ठीक करना तो बीमारी के लक्षण का नहीं, कारण का इलाज करना पड़ेगा, कारण। और हम क्या कर रहे हैं, लक्षणों को, हम शुगर की बीमारी में, शुगर बढ़ना असली बीमारी नहीं है, और हम जिंदगी भर शुगर को कम करने की गोली पे लग जाते हैं। साले खाओ, कम करो, कम करो, कम क्या कर रहे हैं, छुपा रही है इधर उधर, साले गला देंगे पूरे शरीर को। हमें शुगर को कम नहीं करना, हमें पेनक्रियाज को चालू करना है कि वो करे कम, समझो बस ये छोटा सा डिफेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं, शुगर को कम करने की गोली खा रही है, बीमारी है ही नहीं, बीमारी तो असली है, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, ये है बीमारी, उस पर काम करो। कर रहे हैं किसके, शुगर कम कर रहे हैं, बीपी की बीमारी में बीपी को कम कर रहे हैं, थायराइड में थायराइड के हार्मोन बाहर से दे रहे हैं, कैंसर में कैंसर ही गांठ के, ये तो बीमारियां ही नहीं है, ये तो उसके लक्षण है। और एलोपैथी तो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि इसी के लिए बनी है वो, उसका काम क्या था, शुगर बढ़ी दिख गई, उसको कम कर दिया, छुपा दिया, उसने अपना काम कर दिया। अब निर्भर आप पे करता है कि अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो, आपकी डायबिटीज ठीक हो, तो हमें बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा, कारण, कारण, लक्ष्य खाली है नहीं कि शुगर को कम करना, नहीं, इसका टारगेट ही नहीं है हमारा, तो हमें कारण का इलाज करना है, तब आपकी शुगर अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि इलाज करने का तरीका गलत है, और हमें सही तरीका अपनाना है, सही तरीका है कि कारण का इलाज करना। अब कारण का क्या इलाज करना है वो समझते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी की शुगर बिना दवाई लिए पूरे दिन में शुगर कभी भी बिना दवाई लिए अगर 250 तक है तो आप शुगर के पेशेंट नहीं है। 250 तक शुगर आपकी नॉर्मल है, और ये पिछले 1.5-2 साल पहले अमेरिका जर्नल, जो एक अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है, उन्हें नई गाइडलाइन जारी कर दी है, शुगर का एवरेज अगर पूरे दिन में आप बिना दवाई खा के 250 तो समझो ज्यादा थी तब आया, बिना दवाई खाए, कोई भी बिना दवाई खाए अगर आपका शुगर लेवल 250 है तो लिख लो दोस्तों आप शुगर के पेशेंट नहीं है। और भारत में 70% ऐसे लोग हैं जिनका शुगर लेवल 250 है और उनको भी शुगर का मरीज बनाया गया है। शुगर का 250 तक 250 तक लेवल आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक कब है, जब वो 250 हो जाता है और आपको गोली शुरू कर देते हैं, अब साला नुकसानदायक है। तो पहली बात तो जिस भी व्यक्ति के पास जाए बोले भाई साहब शुगर कितनी है, कितने पेशेंट मेरे ऐसे हैं जो 230 240 250 रहती है 10 साल से शुगर की दवाई, अरे मेरे भाई सत्यानाश हो गया, बिजनेस है दोस्तों। 250 तक, और पहले जब पहली बार डिस्कवर हुई थी ना शुगर की बीमारी, तो इसका जो नॉर्मल लेवल था वो 250 था। पहले शुगर की जो गाइडलाइन थी ना 250 था, ये 250 नॉर्मल लेवल है,
लेकिन समय समय के साथ जब पहली बार डिस्कवरी तो 250 था, उसके बाद कुछ समय बाद एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी लोग बैठे, यार ये शुगर का ना 250 लेवल ठीक नहीं है, कुछ लोग बैठे उस मीटिंग में। कौन लोग थे उस मीटिंग में? वो लोग थे जो फार्मा कंपनियां जो शुगर की गोली बनाते, उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में बैठा था। अब सोचो क्या फैसले होंगे वहां पर, सारे लोग बैठे और मिलकर डिसाइड किया कि यार शुगर का ना 250 लेवल ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। तो कितना ठीक करो? शुगर का लेवल कर दो 200, नॉर्मल 200 होनी चाहिए। कर दिया 200, और जैसे ही 200 किया, करोड़ों लोग भारत में ऐसे थे जो डायबिटिक हो गए, ऑटोमेटिक डायबिटिक हो गए, क्योंकि उनकी 200 से 250 के बीच में थी। 250 नॉर्मल लेवल 250 था पहले, बैरिकेड था 250 की, यहां तक ठीक है, उसको घटा के कर दिया 200। अब इससे ऊपर जितने लोग थे ऑटोमेटिक डायबिटिक हो गए। रात को बेचारे ठीक ठाक सोए थे, कोई डायबिटिक नहीं थे, अगले दिन से गाइडलाइन आ गई कि जिसकी 200 से ज्यादा है वो शुगर का पेशेंट है, तो बैठे बैठाए शुगर के मरीज बन गए भाई। लो जी दवाई का कारोबार चल गया, बढ़ेगी उनकी सेल, वही तो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, सेल बढ़ानी थी बढ़ा दी, फिर भी नहीं माने, बोले यार 200 नहीं, ये गलत है। फिर कुछ सालों बाद मीटिंग हुई, उसको कर दिया 170 कि नॉर्मल शुगर का लेवल करो 170। अब जैसे 170 किया, बैठे बैठाए फिर से करोड़ों लोग ऐसे थे, लाखों लोग ऐसे थे जो डायबिटिक हो गए, बेचारे बिल्कुल ठीक ठाक थे, पहले दिन तक तो ठीक थे, अगले दिन से गाड़ी जारी होते ही पता चला जिसकी भी 170 से 200 तक थी वो सब लोग डायबिटिक हो गए। डॉक्टर के पास जाए, जांच करें, ओ तेरे को तो शुगर है, ले भाई गोली खा, बन गया वो भी शुगर का पेशेंट, बन गया वो भी ग्राहक। तो ऐसे करते 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 इसका लेवल आज बोलते हैं खाली पेट 110 होना चाहिए, 100-110 होना चाहिए, 70 बल्कि लिखने लगे अब 70 से 110, अभी 110 तक मानते हैं। जैसे ही 110 घटाते घटाते लाए, लोग बढ़ते चले गए, बढ़ते गए शुगर के मरीज, आप कुछ दिनों बाद बोल देंगे 110 भी ठीक नहीं है भाई, इसका नॉर्मल कर दो 70। ऐसे 70 करोगे आप में से, हम में से ज्यादातर लोग शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। बोल रहे हैं ना कि आने वाले समय भारत शुगर की राजधानी होगा, ऐसे ही तो होगा, घटाते घटाते साला इसका लेवल कर देना 10, जिसकी भी 10 से ज्यादा शुगर का मरीज, बन गए सब डायबिटिक। लो जी बन गया डायबिटिक, बन गया करोड़ों का कारोबार चले गया। तो पहली बात तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 250 तक शुगर ग्लूकोज का लेवल आपको कोई नुकसान नहीं करता है, जब तक आप दवाई नहीं खाते, अगर दवाई खाएंगे तो जरूर नुकसान करेगा। तो 250 तक बिल्कुल फ्री होकर रहिए, शरीर अपने आप मैनेज कर लेगा, आपको कोई छेड़खान करने की जरूरत नहीं है, आपका किडनी अपने आप उसको बाहर निकाल देंगी फालतू है, तो 250 तक किसी नुकसानदायक नहीं है। तो आपके 70% मरीज तो इस बात से ठीक हो जाएंगे, चाहोगे ना आप, देख रहा लोगों के साथ क्या हो रहा है, जबरदस्ती दवाई खिलाई जा रही है उनको, दिमाग में घुसा दिया तेरी 250 है, तेरी 240 है, 230 है, मेरे पास लोग आते बोले जी मेरी 250 है, अच्छी बात है यार, बढ़िया ग्लूकोज है, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, अच्छा काम करोगे, सालों उसको उल्टा दिमाग में बैठाया जाता है, उसको दवाइयां खिलाए जाते हैं। तो पहली बात तो शुगर का नॉर्मल लेवल 200-250 तक किसी तरह की कोई नुकसानदायक नहीं है, अगर इससे ज्यादा जाता है तो हमें सोचने की जरूरत है। तो हमें क्या सोचने की जरूरत है, हमें क्या सोचने की जरूरत है कि अब पेनक्रियाज हमारा कम काम कर रहा है, हमें इसके काम को बढ़ाना है, बस दैट्स इट। अब इसके जो पहली बात, जो ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर है, बेसिकली क्यों 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 मर रही है हमारी बीटा सेल्स, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी बीटा सेल्स को क्यों मार रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब बच्चों में ना, जब देखिए बहुत सारे लोग आप इस बात से, मेरी बात से ज्यादा अगर सहमत ना हो, आपके अपने पक्ष हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली बीटा सेल्स को डैमेज होने का एक रीजन बताता हूं। बच्चों को जब अर्ली अवस्था से ही जब उनको दूध पिलाया जाता है, भैंस का दूध पिलाया जाता है, गाय का दूध पिलाया जाता है, बकरी का दूध पिलाया जाता है, तो जो ये सबसे बड़ा रीजन डायबिटीज का, सबसे बड़ा रीजन बच्चों को टाइप 1 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने का, वो है मिल्क प्रोटीन, दूध वाला प्रोटीन। बेसिकली सिद्धांत तो ये बोलता है, प्रकृति तो ये बोलती है, जिस प्राणी का दूध है वो उसके बच्चे के लिए बना है, जिस प्राणी का दूध बना है वो उसके बच्चे के लिए। गाय का दूध बहुत अच्छा होता है लेकिन गाय के बछड़े के लिए, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है लेकिन भैंस के बच्चे के लिए, हमारी माँ का दूध बहुत अच्छा था हमारे लिए था। इस सृष्टि में हम ही एक ऐसे जीव है जो साला दूसरे प्राणी का दूध पीते नहीं, तो कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी का दूध नहीं पीता है, हमें छोड़ के कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो दूसरे प्राणी का दूध पीता हो। शेर भी क्या करता है, शेर को अगर गाय मिल जाएगी तो गाय को ही खा जाएगा, ऐसा नहीं गाय का दूध पी जाएगा, दूध केवल हम ही है जो दूसरा। बेसिकली दूध का जो प्रोटीन है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारा शरीर करता है, दूध का जो प्रोटीन है उसको हमारा शरीर जो बाहर, जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, फलाना का दूध, और इसमें खासकर भैंस का दूध, वो जो दूध की जो प्रोटीन की संरचना है ना, हमारा शरीर क्या करता है, उसको फॉरेन बॉडी समझता है, उसको फॉरेन बॉडी समझता है और उससे लड़ता है। बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूं पेनक्रियाज के डैमेज होने का,
पेनक्रियाज इन डायबिटीज का बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूं आपको। हमारे जो मिल्क प्रोटीन जो बाहर के जानवरों का दूध पीते हैं ना, वो मिल्क प्रोटीन की संरचना मिलती है फॉरन, उसको बॉडी हमारी फॉरन बॉडी समझते हैं, उसको अटैक करती है, उसको अटैक करती है कि ये दुश्मन है इसको मारो, हमारी इम्यूनिटी उसको मारती। अब दुर्भाग्य एक बात का है कि मिल्क प्रोटीन की जो संरचना है वही संरचना हमारी बीटा सेल्स की। अब मान लेते हैं आपके शहर में एक आतंकवादी घुस गया, अब पुलिस को खबर होगी कि आतंकवादी घुसा है, इंटेलिजेंस को खबर होगी, तो उसने पुलिस को सारी सूचना धाके पे दे दी कि एक आतंकवादी घुस गया है और जहां दिखे उसको गोली मार दो। अब बोलेंगे जी आतंकवादी घुस गया कैसे पहचानेंगे, बोलेंगे जी उसकी ना दाढ़ी है बड़ी बड़ी और मूंछ है उसकी बहुत बड़ी बड़ी, बस ऐसा आदमी दिखते ही गोली मार दो। अब पुलिस को ऐसा आदेश दे दिया कि जिसकी भी बड़ी बड़ी मूंछ है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है वो आतंकवादी, उसको गोली मार दो। अब होगा क्या, जो भी बड़ी मूंछ और बड़ी दाढ़ी वाला दिखेगा पुलिस उसको गोली मार देगी। होगा या नहीं होगा, ऐसा मिसकंसेप्शन होगा। क्यों, क्योंकि पहचान क्या बताई, बड़ी मूंछ और बड़ी दाढ़ी। अब ऐसा ही मिल्क प्रोटीन के साथ है, जब मिल्क प्रोटीन की संरचना शरीर बता देता, गाइडलाइन जारी कर देता है फॉरन है, फॉरन बॉडी मारो इसको, अब साला वैसी फॉरन बॉडी वैसी ही संरचना हमारी बीटा सेल्स की है। बस यही दुर्भाग्य है, हमारा शरीर बीटा सेल्स को ही मारने लगता है, खुद की बीटा सेल्स को ही मारने लगता है और उससे सिक्रीशन कम हो जाता है या नहीं होता है। बस ये है डायबिटीज, ये है असली जड़ ऑटो इम्यून। हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट होगी, अब पैनक्रियाज की सेल्स मर जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, टाइप वन डॉक्टर इंसुलिन देना शुरू कर देंगे। सोचो नहीं बन रहा था, बाहर से देना शुरू कर दिया, उसका इलाज नहीं किया कि इसकी सेल्स को कुछ करें, जिंदा करें, कुछ सोचें, बाहर से देना शुरू कर दिया, साला थोड़ी बहुत जान बची भी रही होगी तो बाहर से इंसुलिन दे दिया, अब उसका काम बिल्कुल खत्म हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो टाइप वन डायबिटीज इसका मेन सबसे बड़ा रीजन यही है, और टाइप टू का भी कि जो मिल्क प्रोटीन बेसिकली जो एनिमल प्रोडक्ट्स आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में, सबका साथ नहीं होता लेकिन किसी किसी के साथ, जब उसको फॉरन बॉडी समझती है और उसकी उसकी एवज में हमारी खुद की बीटा सेल्स मरने लगती हैं, तो इसकी वजह से हमें समस्या आती है और हमारी पैनक्रियाज कम काम करने लगता है। तो सीधी सी बात है, हमें अब टाइप वन अगर ठीक हो सकती है, कब हो सकती है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, आज कोई बच्चा है 12 साल का है, इंसुलिन ले रहा है, आज वो उसने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया। कई बार में लोग मेरे पास आते हैं, सर 12 साल का बच्चा है इंसुलिन ले रहा है, क्या ठीक हो सकता है, इंसुलिन छूट सकता है? मैं उससे एक ही बात पूछ रहा हूँ, कब से ले रहा है, आपको भी ऐसा ही पूछ रहा है, कब से ले रहा है, समझना मेरी बात। अगर बच्चा वो बोलेगी जी आज 12 साल का है लेकिन जब ये 6 साल का था तब से ले रहा है, तो मना कर देना दोस्तों, नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जिस दिन से इंसुलिन लगना शुरू हो जाता, मेरी बात समझना, जिस दिन से इंसुलिन लगना शुरू हो गया बच्चे को, उस दिन से उसके पैनक्रियाज का काम खत्म हो गया, अब वो पैनक्रियाज उस दिन से डेड है। अब बच्चा 6 साल का था, उसका पैनक्रियाज भी 6 साल का था, इंसुलिन देना शुरू किया, पैनक्रियाज 6 साल का ही रह गया, लेकिन आज बच्चे की उम्र कितनी है, 12 साल, पैनक्रियाज 6 साल का ही है, बच्चे की उम्र कितनी होगी, क्योंकि उस दिन के बाद पैनक्रियाज की ग्रोथ तो खत्म, क्योंकि बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर दिया आपने। अब बच्चा हो गया 12 साल का, पैनक्रियाज 6 साल का, अगर आप उसको जिंदा भी कर दोगे तो भी पूरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज क्यों करने की वो नहीं संभाल पाएगा, इसलिए उसकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी। हाँ बच्चा 12 साल का है, इंसुलिन कब से चला है, अभी चला है, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, ज्यादा हम इतना गैप कवर कर सकते हैं, 1 साल 2 साल बस 3 साल, अगर 10 साल से 5 साल से दे रहा है इंसुलिन तो हाथ जोड़ लेना यार, अब कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका पैनक्रियाज उस जिस उम्र पे पैनक्रियाज इंसुलिन लगना शुरू हुआ उसी पे पैनक्रियाज की ग्रोथ रुक गई। आज उसकी जो एज है वो गैप देख लो, अगर वो गैप बहुत ज्यादा है 4-5 साल से ज्यादा है तो अब आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि उसका पैनक्रियाज उस दिन से डेड हो गया। तो टाइप वन जिसका भी इंसुलिन लग रहा है, अगर बहुत लंबे समय से लग रहा है तो उसको आप नहीं कर पाएंगे, अगर वो जेनेटिक है, 1-2 केस मिलेंगे जेनेटिक है तो भी आप ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर अभी शुरू हुआ है, कुछ दिन हुए, तो हमारे पास संभावना है कि हम उसकी बीटा सेल्स को अभी जिंदा कर सकते हैं, उसको मर रही है उसको वापस रिकवरी भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। और वो संभावना कब होगी, पहली बात तो क्यों मर रही है, क्योंकि मिल्क प्रोटीन, मैं देख रहा हूं बच्चों को डायबिटिक टाइप वन है, इंसुलिन दे रहे हैं भर भर के, सुबह शाम दूध भी पिला रहे, डॉक्टर भी मना नहीं कर रहे, जब तक वो मिल्क प्रोटीन लेता रहेगा, जब तक एनिमल प्रोटीन लेता रहेगा तब तक उसकी डायबिटीज ठीक होने की संभावना नहीं है। हाथ जोड़ देना कि भाई साहब जब तक दूध दही लस्सी बच्चा ले रहा है, यही तो रीजन है मेन, और वही ले रहा है तो क्या ठीक करोगे क्या। तो डायबिटीज वाला व्यक्ति अगर डायबिटीज ठीक करना चाहता तो सबसे पहला काम उसको यही करना पड़ेगा, टाइप वन वाले को तो कंपलसरी है कि उसको दूध दही लस्सी
बंद करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ेगा, हर हालत में बंद करना पड़ेगा अगर आप उसका इंसुलिन छुड़वाना चाहते हो तो। टाइप टू में भी छोड़ देंगे तो पैनक्रियाज जल्दी ठीक होगा, अगर नहीं छोड़ पाएंगे मिल्क प्रोटीन तो समस्या थोड़ी ज्यादा आएगी। तो पहली बात तो कि हमें जो ये रीजन है जिस वजह से आपका पैनक्रियाज डैमेज हो रहा है उसको दूर करना है। तो पहली बात तो मिल्क प्रोटीन, जो भी एनिमल प्रोटीन, एनिमल से मिलने वाला कोई भी प्रोटीन, चाहे वो मिल्क प्रोटीन हो, चाहे वो नॉनवेज हो, मांस मछली अंडा कुछ भी, एनिमल प्रोटीन हमें नहीं लेना। पहली बात, जिसको डायबिटीज हो गया, जिसको नहीं हुआ चल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बॉडी इसको मिस नहीं कर रही है, मिसकंसेप्शन नहीं कर रही है, लेकिन जिसको डायबिटीज हो गया है उसको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उसको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना। अब करना क्या है, तो करना क्या है, पहली बात तो जब इसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या किसी भी वजह से पैनक्रियाज क्यों काम कम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर इंफ्लामेशन आ जाती, सूजन आ जाती। तो मैं ट्रीटमेंट बता देता हूं आपको कि अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो अब ये तो हो गया कि अब ठीक है, ये सब समझ में आ गया क्यों हो रही है, वो भी समझ में आ गया कि हमारी खुद की सेल्स हमारे पैनक्रियाज को मारने लगती हैं या फिर समय के साथ पैनक्रियाज पे इन्फ्लामेशन आ जाती है किसी और रीजन से। एक तो हो गया ऑटोइम्यून, उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन आ गई, या किसी और वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे पैनक्रियाज पे इन्फ्लामेशन आ गई, सिक्रीशन कम हो गया, तो टाइप टू हो गया। तो अब इसको ठीक कैसे करना है, इसको रिकवर कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे मैं फिर से मेरी स्क्रीन शेयर करूं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं, जैसे सबसे पहले एक जड़ी बूटी आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि एक तो सबसे पहला नाम गुड़मार। गुड़मार एक क्या है, एक मैजिकल रेमेडी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये दोनों में काम करती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में दोनों में काम करती है। ये क्या करती है, ये लेवल ऑफ इंसुलिन का बॉडी में बढ़ाती है, ये उनकी तरह एलोपैथी गोलियों की तरह नहीं है कि शुगर बढ़ गई थी उसको छुपा दिया। गुड़मार क्या करती है, गुड़मार एक मैजिकल रेमेडी है जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बॉडी में बढ़ाती है। तो ऐसी कुछ आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं, बेसिकली हमें कारण पे काम करना है। तो गुड़मार, गुड़मार क्या करता है, आपके पैनक्रियाज के फंक्शन को बढ़ाता है, आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और इस तरीके से शुगर को नॉर्मल करता है। ये शुगर को कम नहीं करता, ये पैनक्रियाज को, कारण क्या है, पैनक्रियाज काम कम कर रहा है, क्यों कर रहा है, या तो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से या इन्फ्लेमेशन किसी और वजह से आ गई। तो गुड़मार एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गुड़मार। दूसरा उसके बाद जैसे करेला, करेला भी क्या करता है, करेला एक बहुत शानदार रेमेडी है, ये आपके पैनक्रियाज को, इसका काम मेनली करेले का क्या है, ये बहुत सारी डिजीज में काम करता है, लेकिन इसका बेसिकली काम क्या है, ये पैनक्रियाज को जो सूजन आ गई है उसको ये दूर करता है। इसके अलावा जामुन, जामुन क्या करता है, जामुन का जो मेन फंक्शन क्या है, जामुन का मेन फंक्शन है कि ये आपके मतलब जो भी मैं हर्ब्स बता रहा हूं, इनका मेन काम क्या है कि आपके पैनक्रियाज को, जो बीमारी की जड़ है, जहां से बीमारी शुरू, उस पे काम करते हैं। तो चाहे वो करेला हो, नीम हो, गुड़मार हो, जामुन हो, ये सारी चीजें। दूसरा, अब अगर आप चाहते हैं ये बीमारी को परमानेंटली ठीक करना, तो दो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो हमें कुछ आयुर्वेदिक रेमेडी अपनानी पड़ेगी, दूसरा है आपकी डाइट, आपकी क्या खाना चाहिए। जैसे मैंने बताया मेन रीजन क्या है, एनिमल प्रोटीन जा रहा है, बॉडी मिसकंसेप्शन कर रही है, पैनक्रियाज की सेल डैमेज हो रही है। तो दो चीजों पे अभी हम बात करनी है, एक तो आयुर्वेदिक रेमेडी क्या, आयुर्वेद में ऐसी चीजें दी गई हैं जो पैनक्रियाज पे काम करेंगी, और एक है दूसरा फूड, क्या हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। मैं आपको एक डाइट बताऊंगा या आयुर्वेदिक अपना रेमेडी बताऊंगा, ये दोनों इस्तेमाल कर लेना, अगले 3 दिन बाद अगर जो मैं डाइट बताऊंगा ना स्ट्रिक्टली अगर ये डाइट अपना लोगे तो 3 दिन बाद आपको डायबिटीज की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 72 घंटों में डायबिटीज की गोली छूट सकती है, अगले 3 दिन के अंदर, अगले 72 घंटों के अंदर शुगर की गोली छूट जाएगी। बस एक काम करना है, जो मैं डाइट बता रहा हूं करके देख लो, एक बार फॉलो करके देख लो, और जो मैं ये बता रहा हूं रेमेडी ये इस्तेमाल करनी, ये कुछ हर्ब्स है। तो ये कुछ हर्ब्स है, पहली बात तो पहले मैं हर्ब्स पे बात करूंगा, तो नीम, करेला, जामुन, गुड़मार, ये कुछ हर्ब्स है। उसके अलावा असली जो चीज है वो है हल्दी। हल्दी बीमारी की मेन जड़ है सूजन, सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन आ गई है पैनक्रियाज में, जिसकी वजह से सिक्रीशन नहीं कर रही है या कम कर रही है। अब वो चाहे ऑटोइम्यून खुद की सेल्स मार गई तो सूजन, कहीं मारोगे तो सूजन आएगी ना, तो सूजन आ गई है, तो सूजन को दूर करना है, और उसके लिए है हल्दी। और हल्दी के अंदर क्यों सूजन कम करती है, क्योंकि उसमें मिलता है कुरकुमिन, इसलिए हमने हल्दी का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको निकाला। इसलिए डायबिटीज जिसकी भी आप ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको क्या रिकमेंड करना है, उसको देना है कुरकुमिन टैबलेट। बच्चा है तो एक गोली, बड़ा है तो 2 गोली तक दे सकते हो, या एक गोली से भी काम चल सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको रिकमेंड करनी है कुरकुमिन, क्योंकि रूट कॉज। फिर उसके बाद जो ये और हर्ब्स मैंने बताई है,
इनको इस्तेमाल करना है और इन सारी हर्ब्स को, नीम, करेला, जामुन, गुड़मार, विजयसार, ऐसी बहुत सारी अनगिनत जड़ी बूटियां हैं जो पैनक्रियास पे काम करती है, उसके सिक्रीशन बढ़ाती हैं, और इन सब को मिला के हमने कुछ शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किए हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं वो आप सबको पता है, टैबलेक्स प्रवाही जो क्वाथ हमने तैयार किया है, इसमें नीम, करेला, जामुन, गुड़मार, इनको उबाल के उनका काढ़ा तैयार किया है, टैबलेक्स टैबलेट है, और एक दूसरी एक अलग चीज है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहली बात तो डायबिटीज को जो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वो कौन कौन से हैं, बेसिकली तीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, कुरकुमिन, डायबिलेक्स टैबलेट और डायबिलेक्स जूस, ये तीन प्रोडक्ट देने हैं। लेना कैसे है, कुरकुमिन की एक गोली या दो गोली खाना खाने के बाद गर्म पानी से लेनी है, दूध नहीं लेना है, किसी भी हालत में नहीं लेना है। दूसरा डायबिलेक्स टैबलेट और डायबिलेक्स प्रवाही क्वाथ है, ये दोनों ही एक गोली और 30 ml खाना खाने से लगभग 40 मिनट पहले सुबह और 40 मिनट शाम को, 40 मिनट पहले शाम को, तो ऐसा करके ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने, कुरकुमिन, डायबिलेक्स टैबलेट और डायबिलेक्स क्वाथ, ये आपको इस्तेमाल करने तीन प्रोडक्ट। उसके बाद एक और प्रिंसिपल है, अगर यही सारी चीजें आप लेते हैं तो ये धीरे धीरे आपके ब्लड में पहुंचेंगी, इन्हीं चीजों को डायरेक्टली ब्लड में पहुंचाने का भी एक सीधा सा फॉर्मूला है जो कि इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे, और उसी सिद्धांत पे हमने बनाया है परमेय मिहिर तेल। आयुर्वेद का चरक संहिता में आज से हजारों साल पहले परमेय की चिकित्सा में बताया गया परमेय मिहिर तेल। आप प्रैक्टिकली करके देखना, कोई भी कड़वी चीज, नीम ले लेना, करेला ले लेना, या वो गड़ुम्बा आता है जिसको इंद्रायण बोलते हैं, कोई भी चीज अपने घर में एक बर्तन में डालना, उनकी चटनी बनाना, और पैरों से ऐसे ऐसे उसको मसलने लग जाना, आप पाएंगे 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, किसी को समय अलग अलग लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपके पैरों के जो छिद्र है वहां से चीजें एब्जॉर्ब होती है आपके अंदर, और इसी सिद्धांत पे हमने जो भी आयुर्वेद की जो डायबिटीज की दवाइयां हैं उससे हमने तेल बना दिया, तेल, तेल के माध्यम से चीजें जल्दी आपके अंदर पहुंचेंगी और डायबिटीज में तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये परमेय मिहिर तेल वही काम करता है, इसको हमें क्या करना है, पैर के तलवों पे और हाथों पे बस सुबह शाम 10 मिनट मालिश करनी है। इससे दो फायदे होंगे, जिनको डायबिटीज है उसकी वजह से न्यूरोपैथी होगी, नसें खराब होगी वो ठीक हो जाएंगी, दूसरा उसकी डायबिटीज इंस्टेंटली इंस्टेंटली, क्योंकि सीधा आपने ब्लड में पहुंचा दिया, सीधा ब्लड में चीजें पहुंच गई, तो उससे क्या हुआ, आपकी जो डायबिटीज, आप किसी की शुगर मापे, शुगर उसकी मापेंगे तो जो भी शुगर उसकी है 300 है, 350 है, 400 है, 500 है, परमेय मिहिर तेल की पैर के तलवों पर हाथों पे मालिश करनी है और 10 मिनट बाद दोबारा माप लेना, 10 मिनट बाद, जैसे ही 10 मिनट मालिश खत्म हुई दोबारा उसकी शुगर माप लेना, 300 थी तो 250 हो जाएगी, 350 थी 300 मिलेगी, 400 थी तो हो सकता है 300 आ जाए, 350 आ जाए, इंस्टेंटली आपको 10 मिनट के अंदर रिजल्ट दिख जाएंगे परमेय मिहिर तेल के। इतना शानदार ये तेल हमने डिजाइन किया है, अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी के पास ये नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आयुर्वेद के नाम पे, आयुर्वेद बोलते हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का ऐ भी नहीं कर रहे हैं अभी तक, बस कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट आयुर्वेद, लो जी आयुर्वेद सब वही कंपनियां ला रही। आयुर्वेद का खजाना बहुत बड़ा है, चरक संहिता में परमेय चिकित्सा में बताया गया परमेय मिहिर तेल, हमने साला चरक संहिता पढ़ी जब समझ में आया कि कितना बड़ा खजाना है, इसको हमने उतार दिया, आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया इसको, आप इस्तेमाल करके देखें। तो ये तीन चीजें साथ में कुरकुमिन, ये आपको इस्तेमाल करना है, ये तो होगी हमारी रेमेडी। अब उसके बाद डाइट, क्या आपको खाना है, कैसे खाना है, बस ये आपको जरूर फॉलो कर लेना है, अगले तीन दिन बाद ही आपको डायबिटीज की गोलियां छूट जाएंगी, बहुत बड़ी बात है ये अगर इस डाइट चार्ट को फॉलो कर लोगे। तो क्या है वो डाइट चार्ट, मैं आपके आगे शेयर कर देता हूं। देखो क्या क्या करना है, बस छोटे से दो चीज, एक छोटा सी सिंपल सी चीज है, हमें पेनक्रियाज को चालू करना है, पेनक्रियाज की सेल्स को जिंदा करना है। मेरी बात सुनो, आज से पहले जो भी सुनाओ भूल जाओ एक बार इसके बारे में, एक सेकंड। पेनक्रियाज की सेल मर रही, बस सीधा सा मोटा मोटी के दिमाग में गणित बैठा लो, पेनक्रियाज की सेल मर रही है, पेनक्रियाज काम कम कर रहा है, बीटा सेल्स नहीं मर रही है, तो कोई मरी हुई चीज को जिंदा करने के लिए जिंदा खाना खाना पड़ेगा, मरा हुआ खाना खाना पड़ेगा, आप खुद बताए, जिंदा चीज खानी है, बस ये जिंदा चीज का मतलब जिंदा मुर्गा नहीं खा जाना, जिंदा मछली नहीं खा जानी है, लाइव फूड खाना है, जिंदा, बस इस पूरे डाइट चार्ट का यही सिद्धांत है कि जिंदा खाना खाना है, जिसके अंदर ड्राइवर हो वो खाना खाना है, ड्राइवर वाला खाना खाना है। आप एक एक सेब के टुकड़े को, झिल्ली को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, आपको उसमें चलती हुई चीजें दिखेंगी,
लाइट चीजें दिखेंगी आपको। आप एक कोई भी गाजर का जूस रस निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेना, जिंदा चीजें दिखेंगी उसमें। लाइव फूड है ये, जिंदा फूड है ये, वो खाना है जिसका ड्राइवर है साथ, ये मैनेज करेगा आपके अंदर जाएगा, आपकी कोशिकाओं को जिंदा करेगा, बस ये है सिद्धांत। हम हर खाने को क्या करें, मार के खा रहे हैं, सब्जियों को जला के खा रहे हैं, सब हर चीज को कुछ भी कुक करके खा रहे हैं, जैसे गर्म करते जलाते हो सब मर जाता है। हमें ड्राइवर वाला खाना खाना, ड्राइवर जिस खाने का ड्राइवर बैठा हो, जिस गाड़ी आप कौन सी गाड़ी पसंद बैठना पसंद करेंगे, जिस गाड़ी का ड्राइवर हो या जिस गाड़ी में ड्राइवर ना हो, रेस हो उस रेस पे ईंट कुछ पत्थर रख दो और बोलो बैठ जाओ इसमें, चलेगी अपने आप, बस वही खाना खा रहे हैं। हमें जिंदा खाना खाना है, लाइव फूड खाना है, और जिंदा खाना क्या है, फ्रूट्स, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां, बस। अगले एक हफ्ते करके देख लो आपका बीपी, आपका शुगर, आपकी बीमारी कैसे धड़ाम देसी ठीक हो जाती है, आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। क्या खाना है, सुबह से लेके 12 बजे तक फ्रूट्स खाने, केवल सुबह उठने से लेके सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट्स खाने हैं। कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कोई भी फ्रूट्स खाने हैं, जो भी आपको फ्रूट मिले, कोई भी फ्रूट्स खाने हैं। आम खाना है, केले खाना है, चीकू खाना है, पपीता खाना है, जितने मीठे फल खाओगे बहुत बढ़िया है, जो भी मौसमी उस मौसम के अनुसार, अगर आम का मौसम है तो खाओ, आम नहीं है तो मत खाओ, संतरा मौसमी केला जो फल खाना है खाओ, रोज 3 से 4 तरह के फल खाने हैं, और कितने खाने हैं, जितना आपका वजन है उसको 10 से गुना करो, उतने ग्राम खाने हैं कम से कम। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 600 ग्राम कम से कम फल खाने हैं, 600 ग्राम कटने के बाद आपकी प्लेट में होने चाहिए 600 ग्राम कम से कम, 600, ज्यादा चाहे 1 किलो खाओ, 2 किलो खाओ, 4 किलो खाओ। ये है जिंदा खाना, ड्राइवर वाली गाड़ी है, मैनेज करेगा ये खाना, कहां जाना चाहिए पैनक्रिया, कहां जिंदा करना चाहिए, ये है ड्राइवर वाला खाना, इसका अंदर इसका ड्राइवर है, जिंदा चीजें हैं इसके अंदर। बस पहला काम सुबह से लेकर 12 तक फल खाने, 3 से 4 तरह के फल खाने, चबा चबा के खाने, ढंग से खाने, एकदम गचागच नहीं, धीरे धीरे चबा चबा के खाने हैं, 3 से 4 तरह के कोई भी फल खाना, और कम से कम अगर 80 किलो का आदमी है तो 800 ग्राम, 60 किलो का आदमी है तो 600 ग्राम, 50 किलो का तो कम से कम मिनिमम, इससे ऊपर जा खाना कितना भी कम नहीं, इसे कम खाओगे तो फूड है, अगर इसे ज्यादा खाओगे तो आपकी पैनक्रियाज की सेल जिंदा होने लगेंगी, काम करने लगेंगी, इसको दवाई समझ के खा लो, बस पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, लंच और डिनर दोनों का सेम है, लंच और डिनर जो भी आपको खाना खाना चाहते हैं, आप छोला भटूरा खाना चाहते हैं, पूरी सब्जी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, कुछ भी जो भी खाना खाना चाहते हैं, उससे पहले जिंदा खाना खा लो थोड़ा सा, एक सेकेंड मुझे लगेगा, एक सेकंड, तो बस एक सिद्धांत अपनाना है कि जब भी लंच करना है और डिनर करना है उससे पहले थोड़ा सा जिंदा खाना खा लेना है। जिंदा खाना क्या है, कच्ची सब्जियां, वेजिटेबल्स, बस हमें कच्ची सब्जी खानी है। कितनी खानी है, आपका वजन गुना 5, जितना आपका वजन है, आपका वजन अगर 60 किलो है, आपका वजन अगर 60 है तो 60 गुना 5 कितना हो गया, 300, तो 300 ग्राम पहले कच्ची सलाद खा लेनी है, फिर उसके बाद जो इतनी भी भूख हो आपको, जितनी भी भूख हो कुछ भी खा सकते हो, कितना भी खा सकते हो, आपके घर में छोले भटूरे बने हैं, चावल बना है, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, जो मन करे वो खा सकते हो, लेकिन सबसे पहले क्या खाना है, सबसे पहले क्या खाना है, कच्ची सलाद खानी है, एक सेकेंड, सबसे पहले कच्ची सलाद खानी है, 300 ग्राम खानी है, 60 किलो के आदमी के हिसाब से बता रहा हूं, उसके बाद अपना वो जो भी नॉर्मल फूड है वो खा सकता है। उसी तरह रात को करना है, रात को भी खाना खाने से पहले आपको थोड़ी कच्ची सलाद खानी है। कितनी खानी है, आपके वजन को 5 से गुना करें उतनी आपको कच्ची सलाद खानी है, और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके घर में खाना बना है, रात को जो भी दलिया खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जो आपके मन करे वो आप खा सकते हैं। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है खाने में, तेल कम हो और नमक कम, बस ये 2 चीजों का, और वेज होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, बस ये सिद्धांत अपना लो दोस्तों, देखना कैसे शुरू, जिंदा जो शरीर की सेल्स कोशिकाओं को रीजनरेट करने का खाना खाना है वो है कच्चा खाना। तो सुबह से 12 बजे तक आपको फ्रूट्स खाने हैं, 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं। कितने खाने हैं, वजन से 10 गुना करें उतने, ये पूरा मैं डाइट चार्ट आपको शेयर कर दूंगा मीटिंग के बाद या कल सुबह आपको ये मिल जाएगा, आप सब इसको कोई भी डायबिटीज के पेशेंट हो जाए उसको देख आए। लंच में और डिनर में खाना खाने, नॉर्मल खाना खाने से पहले आपको कच्ची सलाद खानी है, वजन से 5 गुना करके उतनी कच्ची सलाद, गाजर मूला कीड़ी जो प्याज जो भी खाना चाहे, फिर उसके बाद अपनी खाना खाए, प्लेट 1 कच्ची सलाद, प्लेट 2 आपका नॉर्मल खाना। कई लोग बोलेंगे सर मैं प्लेट 2 पहले खा लूं तो बाद में सलाद खाता रहूंगा,
अगर उल्टा करेंगे तो उल्टे रिजल्ट आएंगे, डायबिटीज कम होने की बजाय और बढ़ सकती। तो जैसा कहा जाए वैसा करना, पहले प्लेट वन खानी है फिर प्लेट टू खानी है, ये है नॉर्मल क्या खाना है। अब क्या नहीं करना है, बस दो तीन चीजें गांठ बांध लो जिंदगी में, कभी शुगर नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वो समझना। पहली बात तो क्या लेना है वो मैंने बता दिया, डायबिटिक्स लेना है और वो टैबलेट लेना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो बोल रहा हूँ, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं अपनी डायबिटीज ठीक करना तो करके देख लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसे आप मर जाएंगे। रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, पहला रूल। दूसरा रूल, नो एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, दैट्स इट। तीसरा, कोई भी पैकेट वाला फूड नहीं लेना, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, जो भी पैक्ड फूड इंडस्ट्री से, जो भी इंडस्ट्री से बन पैक फैक्ट्री से बन के जो खाना आ रहा है वो खाना नहीं लेना, बस दैट्स इट। भूल जाओ बाकी सब चीजों को, आपकी डायबिटीज ठीक होके रहेगी, 100% होके रहेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये जो मैंने बताया ये खाना है, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना और पैक्ड फूड नहीं लेना है, जो भी इंडस्ट्री में फैक्ट्री में बनने वाला खाना नहीं खाना, बस ये काम कर लो, देखना आपकी डायबिटीज कैसे ठीक होगी। ये मैं डाइट चार्ट आपको शेयर कर दूंगा। तो फिर से आपको एक बात बता दूं, सुबह से लेके 12 बजे तक बस आप दिमाग में बैठा लो, सुबह 8 से रात 8 ये आपके खाने का पीरियड है, इसके दौरान ही खाना है, बस सुबह 8 बजे से पहले नहीं खाना, रात को 8 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज हो जाता है, उसके बाद साला जो भी खाओगे तो उसकी छुट्टी हो चुकी है, वो सब आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। पैनक्रियाज का जागने का समय है सुबह 8 रात को 8 बजे, सो जाता है, दिमाग में बैठा लो, अब इसके अनुसार मैनेज कर लो अपने खाने को। सुबह 8 बजे उठता है, रात को 8 बजे सो जाता है पैनक्रियाज। अगर शुगर ठीक करना चाहते हैं तो इसके बीच में ही खाना खाना, क्या खाना वो मैंने बता दिया, सुबह फ्रूट्स खाने हैं, दोपहर को खाने से पहले सलाद खानी है और रात को भी खाने से पहले सलाद खानी है। रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, दूध दही लस्सी छाछ जो भी पशुओं से मिलने वाला। फिर लोग बोलते हैं सर दूध दही तो नहीं लेता, चिकन खा सकता हूं क्या, मतलब एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना, सिर्फ एनिमल को ही खा जाओ। तो कोई भी ना एनिमल खाना है ना एनिमल प्रोडक्ट खाना है, बस दोस्तों ये काम करके देख लो, डायबिटीज बहुत आसानी से, अरे आज ही करके देखो ना और 3 दिन बाद माप ले अपने, माप लेना शुगर गोली की जरूरत है या नहीं है, 3 दिन ये खाना खा लो और ये जो मैंने प्रोवाइड टैबलेट्स कुरकुमिन और टैबलेट और तेल, बस ये काम करके देख लो। क्या अपनी शुगर की गोलियां खा रहे इतने सालों से, क्या आज तक उन डॉक्टरों से पूछा कभी मेरी शुगर कब ठीक होगी, मैं कब तक खाऊंगा, साला एक गोली खाता है, दो गोली शुरू कर देता, तीन शुरू कर देता, चार शुरू, उनसे तो कभी नहीं पूछते आप। यहां कोई भी आप किसी के पास भी जाते हो बोलता है मेरी शुगर ठीक हो, गारंटी क्या, अरे आप कॉन्फिडेंस से दो ना कि जहां तू लेके आ रहा है एम्स से लेके आ रहा है, क्या उसने बोला तेरी शुगर ठीक हो, नहीं हो सकती, मैं बोल रहा हूँ ठीक हो सकती है, ये 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दे और ये डाइट कितने दिन तक लेनी है, डाइट लेता रहे जब तक ठीक रहे, क्या इसमें गलत क्या है, जिंदा खाना खा रहे हैं यार, मरा हुआ के बजाय थोड़ा सा जिंदा ऐड कर दिया, आज सब कुछ मरा हुआ खा रहे हो, पूरे दिन मरा हुआ खाना खा रहे हो साला, सुबह उठते दही पराठा मर गया सब कुछ, फिर दोपहर में चावल मर गया सब कुछ, रात को भी मरा हुआ, सब मरा हुआ खाना खा रहे हो, इसलिए तो शरीर मरता जा रहा है, कैसे जिंदा रहेगा। तो थोड़ा सा जिंदा खाना अपने खाने में ऐड कर देना है, देखेंगे आपकी बॉडी, आपका अकेली शुगर नहीं, आपका बीपी, थायराइड, किडनी सब ठीक होने लग जाएंगी। ये जो डाइट चार्ट है ये अकेली शुगर का नहीं है, ये हर बीमारी को ठीक करने का डाइट चार्ट है। अगर आप अपने घुटने ठीक करना चाहते हो करके देख लो 1 महीने इस डाइट चार्ट को, आंखें ठीक करना चाहते हो 1 महीने करके देख लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बोलते शाम को मैं दुकान से लेट आता हूँ, दुकान ही लेट बढ़ाता हूँ, वहां मंगा लो डब्बा सलाद, वहां खा लो, करना पड़ेगा दोस्तों। अगर शरीर को जिंदा रखना है तो जिंदा चीजें बढ़ानी पड़ेंगी अपने खाने में, और यही है डाइट चार्ट का सिद्धांत। तो बस दोस्तों डायबिटीज से किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, जितना